भाई साहब आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है, घर से निकल रहे हैं, 9 बज रहा है इस समय। अभी तो मैं चलता हूँ भवानी स्थान। अभी भवानी स्थान इनके यहाँ आलू चाप खाने के लिए। सुबह सुबह मस्त मस्त आलू चाप और लिट्टी गर्मा गर्म खा लिए, मज़ा आ गया। अभी मुझे जाना है रक्सड़, फिर उसके बाद से देखते हैं। भाई मैं फटाफट निकल गया हूँ घर से और मैं जाना है रक्सड़। रक्सड़ किस लिए जाना है, तो कुछ काम है बैंक में, वो करा के आएंगे तो फिर रसड़ा जाना है। तो पहले रसड़ वाला काम जल्दी से कराते हैं। इस बैंक में मैं तकरीबन यहाँ से 2 घंटे से बैठा हुआ, लेकिन मेरा एक चीख तक पास नहीं हो पा रहा है। इतना स्लो काम हो रहा है, इतना स्लो हो रहा है, क्या बताऊँ, एकदम दिमाग ख़राब हो गया। मुझे अभी रसड़ा भी जाना है, अब बहुत लेट हो गया है, बहुत। अब जाके काम ख़त्म हुआ, करते करते किसी तरह बहुत लेट हो गया, बहुत, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं है, 1 बजने वाला है, अभी जा रहे हैं। और धूप भी लग रहा है उतनी ही तेज, बहुत तेज धूप लग रही है आज तो। सर से बैंक का तो काम करा के चले आए हैं, अभी दोपहर का 1:30 बज रहा है, तो अभी रसड़ा भी जाना है, चलो देखते हैं कब जाते हैं। कौन जी दिखावे करते हैं, ये घूमता नहीं हम फालतू। तो अभी हम लोग जो है निकल गए रसड़ा, और वो सामने जो दिख रहा है ना, वो हमारे गांव का सूर्य मंदिर, और उसके बाद से वो प्रसाद विभाग का स्थान। इनरपुर से कम 8-9 किलोमीटर पड़ेला नगरा, आ इनरपुर से 7 किलोमीटर पड़ेला पकड़ी, और टणावा हो गई बस दूरी पड़े से ज्यादा। ऐसे सीधे तारा रसड़ा जीव, आ रसड़ा से मऊ, आ मऊ से जोन बाबे हल्दरपुर से जोन चढ़ा तारा, वही जैसे तू चढ़ पाइब। ए बीच में कहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस से अपना चढ़ पाइब, हल्दरपुर ना चढ़ा लोग, बोरी कहाँ चढ़ा लोग, हल्दरपुर तो हे रोड पड़ेला है जा, मऊ से जब रसड़ा जीव तब 10-12 किलोमीटर पड़ेला, आ वो जो मर्द कहला जहाँ उतर लोग बतो। तो अभी हम आए हैं पहली बार रसड़ा के तहसील पे, आज पहली बार किसी रसड़ा, मैंने रसड़ा के तहसील पे पहली बार आया है। और ये इसका जो दिख रहा है ना, वो मेन गेट वहाँ पे है, वो दस अंदर से अंदर से वो जो दिख रहा है वो मेन रोड है, और इधर से अंदर अंदर आते हुए यहाँ से भाई देखो रसड़ा तहसील है, और इस तहसील से अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं महर्षि बाबा गोलू द्वार। तो इधर ये मेन रोड चला जाएगा, पूरा बिल्कुल मेन मार्केट है भाई। हाँ अभी तो भाई बीच रस्तों के बीच मार्केट में आए हैं, अब थोड़ा सा हम इधर के साइड में चलते हैं। इस साइड में तो पहला गांधी पार्क आदर्श नगर पालिका परिसर बिल्कुल बीच मार्केट में है, थोड़ा सा हम भाई इधर से घूम के आते हैं। चलिए हम आ रहे हैं, अभी रुक जाइए। तो ये भाई देखो पार्क, देखो ये वो कितना खूबसूरत पार्क, इसके अंदर यहाँ पे जो पूरा ये जो है पत्थर ईंट बिछाए गए हैं, और ये स्वच्छ शौचालय भी बनाया गया है यहाँ पे। इसके अंदर जो है खेलने कूदने के लिए बहुत सारे सामान, और इधर जो है ये देखो तालाब, हमें लग रहा है कि उसमें जो है फाउंटेन भी लग रहा है पहले चलता होगा यहाँ पे, मुझे जानकारी नहीं इस चीज़ का। मैं चूँकि इस समय देख रहा था इसमें पता भी नहीं, सब किनारे किनारे सब लाइटें भी लगी हुई हैं, सब शाम के समय बैठने में भी मज़ा आता होगा इस जगह पे, अच्छा भी लगता होगा। मैं तो यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ, लेकिन जो भी है बहुत बढ़िया लग रहा है, शाम के टाइम में देखने में भी अच्छा लगता होगा। इसमें मछलियाँ भी दिख रही हैं, देखो छोटी छोटी सी मछलियाँ भी हैं इसमें, दिख रहा बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा, शाम के टाइम मज़ा आएगा, बहुत तेज धूप है यहाँ पे। तो अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं सिरफल, जो यहाँ से निकल गए, लेकिन देखो यहाँ का जो है फुहारा चल रहा है इसमें, बहुत बढ़िया खूबसूरत मजेदार, मन करे इसमें जाके बीच में खड़ा हो जाए नहाने लगे। कैसे कैसे बंद करो, खुलता है, खोलो तो, खोलो, खोले के बाद ओके शीशा के, हाँ खोल, और दबा के, और आगे आगे, हाँ बंद कर, अब बंद कर तो
बन का बा बा रे बा सीख तो गई ले ला। अब रास्ता पर कानपुर जेबे ना तब डिस्टर्ब हो तो दिक्कत नहीं है ना। हाँ अब बढ़िया बा। तो इंदरपुर में रुके हुए हैं, पापा कह रहे हैं कि मछली लेंगे आज घर के लिए, लेकिन हमें तो मछली नहीं खाना है, हमें तो काम बोलिए निकलना है। तो इधर से तो जाने में टाइम ही नहीं लगा, उधर से आने में जो है टाइम लग रहा है भाई। हम बिना देर किए और बिना लेट किए रसड़ा से आए और तुरंत बलिया के लिए निकल गए। लेकिन देखो इधर का सीन देखो, गजब पूरा आग लगा हुआ है। जबकि मना किया जाता है कि ये सब नहीं जलाना है, नहीं जलाना है, लेकिन फिर भी लोग मानते थोड़ी नहीं है। देख रहे हो ना पूरा का पूरा जला दिए हैं लोग, क्या बताया जाए। देख रहा है कैसा लग रहा है। आज बलिया पहुँचने में बहुत लेट होगा क्योंकि मैं आज बाहर से ही खाना खा के जा रहा हूँ। मैं आज बाहर जो है किसी होटल में खाना खाया हूँ, उस होटल का मैं रिव्यू भी आप लोगों को देने वाला हूँ। और उस होटल में शादी का भी फंक्शन सब बुकिंग भी होता है, उस सब का रेट क्या है कैसे है सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो आज मैं उसी होटल में खाना खाने गया था और खाना खाया, बढ़िया लगा, अच्छा लगा। मैं भी आपको बताऊंगा क्या है रेट, क्या चीज़ें हैं अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर मतलब कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद। तो यहाँ पे कुंवर सिंह चौराहे पे जो है गड्ढा खोदा जा रहा था उसका भी काम लग रहा है ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत अभी बाकी है। लेकिन अब हम जो है बलिया पहुँच गए हैं, रात के बज रहा है 10। क्या कर रहे हो भाई, खाना खा रहे हो? हाँ हाँ मैं तो बाहर से खाना खा के आया हूँ और रात के बज रहा है 10:30 इस टाइम पे। तभी सरांश जो उधर खाना खा रहा है और मेरा खाना पीना हो गया, तब खा पी के सब सोना ही है। फिलहाल मैं आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते फिर आप कल के ब्लॉग में। आज करते हैं गुड नाइट।